तो यारो कैसे हो, सब कुछ बढ़िया है ना। तो देखो आ चुको और एक नए वीडियोस के साथ। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो फुल ट्यूटोरियल मतलब फुल बिगिनर ट्यूटोरियल बिगिनर गाइड होने वाला है पीएस टच के ऊपर। क्योंकि क्या है ना, आप जब भी कोई नया यू नो लाइक बहुत ही अच्छा थंबनेल फोटो एडिटिंग कुछ भी करने जाओगे एंड्रॉयड में, तो भाई आपको पीएस टच एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। जो कि एंड ये जो है ना पीएस टच एप्लीकेशन, ये वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन माना जाता है फॉर एडिटिंग। तो आपने अगर अभी तक इस एप्लीकेशन का यूज़ नहीं किया है तो भाई यूज़ करो, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। एंड अब से जो कि मैं थंबनेल ट्यूटोरियल के ऊपर भी वीडियोस लाऊंगा, सो उस पर मैं इसी एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला हूँ। सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर मैं एक बिगिनर गाइड बिगिनर ट्यूटोरियल बना देता हूँ, ताकि जो नए लोग हैं एंड जो यू नो लाइक न्यू यूजर्स है वो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। क्योंकि यार जिन्हें ऑलरेडी पता है पीएस टच एप्लीकेशन के बारे में, वो तो भाई मेरा थंबनेल ट्यूटोरियल देखकर आराम से थंबनेल बना लेगा। बट जिन्हें नहीं पता है यू नो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं एंड लाइक मैं जब भी ट्यूटोरियल डालूंगा वो फर्स्ट टाइम पीएस टच को ओपन करेगा एंड फर्स्ट टाइम थंबनेल बनाएगा, सो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, सो इसीलिए ये वाला वीडियो है। एंड ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि एकदम फुल बिगिनर है। सो आपको अगर पता है पीएस टच के ऊपर एंड थोड़ा बहुत नॉलेज है तो भाई आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फुल वीडियो एकदम बिगिनर के लिए है। ठीक है, अब बात कर लेते भाई मैं इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहा था। कॉज देखो यार, सीन कुछ ऐसा था ना कि मेरा ये वाला वीडियो ना आज से एक हफ्ते पहले मैं अपलोड कर देता, बट मेरे चैनल पे अनफॉर्चुनेटली एक स्ट्राइक आ जाता है। अब जिस टॉपिक के ऊपर आता है वो उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज है अब आ चुका है, बट क्या ही कर सकते हैं। एंड स्ट्राइक आने की वजह से मुझे सस्पेंड किया जाता है, आई मीन मेरा जो चैनल है उसे सस्पेंड किया जाता है फॉर 7 डेज। एंड उस चैनल पर मैं 7 डेज के लिए कोई भी वीडियोज अपलोड नहीं कर सकता, कोई लाइव स्ट्रीम वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए जो कि मैं कोई भी वीडियोज अपलोड नहीं कर पाया। बट कोई बात नहीं, फिर से आ चुका है एंड फिर से मैं वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ। गाइस पीएस टच का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो आप जैसे ही पीएस टच एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो देखो यार, आप कोई भी क्लिप लेना चाहते हो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से काम का सिर्फ दो है, एक है फोटो लाइब्रेरी एंड एक है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब फोटो लाइब्रेरी क्या है, जैसे फोटो लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे वैसे आपका डिवाइस में जितने भी फोल्डर्स है जिससे फोटोज है वो सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ से आप कोई सा भी फोटो एक पिक कर सकते हो, यहाँ से आप कोई सा भी एक फोटो पिक कर सकते हो। ठीक है, सो ये है फोटो लाइब्रेरी एंड ये क्या है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इससे सिलेक्ट करने के बाद क्या कर सकते हो, कोई भी साइज का डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैं एक थंबनेल बनाना चाहता हूँ, सो उसका जो यू नो इमेज साइज है वो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा यू नो 1280x720। ठीक है, सो जैसे मैं क्लिक करूँगा ये एक थंबनेल साइज का जो कि एक डॉक्यूमेंट दे देगा ब्लैंक पेज, एंड यहाँ पे हम जो कि हमारा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। सो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी बेसिक चीज़ है एंड जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसी टूल्स के बारे में एकदम ओवरव्यू तरीके से लाइक ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, जस्ट ओवरव्यू देंगे एंड उससे जस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे उस टूल से, ताकि यू नो एंड ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अब जैसे जैसे थंबनेल ट्यूटोरियल आएगा, आप थंबनेल ट्यूटोरियल देख के जब बनाने लग जाओगे भाई, आप सब कुछ धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, कोई भी ऐसा सीन नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मिल जाता है आपको लेयर्स का ऑप्शन। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लाइक अब इसके ऊपर हम डॉक्यूमेंट तो क्रिएट कर लिया, अब देखो इसके ऊपर हम फोटो लाएंगे तभी तो हमारा थंबनेल बनेगा। सो अब यहाँ पे ऐड जैसे क्लिक करोगे प्लस बटन पे, ऐसे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं फोटो लेयर एंड एम्प्टी लेयर डुप्लीकेट लेयर, इन तीन को। ठीक है, सो फोटो लेयर पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास, आपको पता है आपका जो गैलरी आपका फोल्डर डिवाइस में जितने फोल्डर्स है वो सारे आ जाएगा। सो ठीक है, सो मैं एक फोटो ले लेता हूँ यहाँ से। सो लाइक कहाँ पे वेट अ मिनट गाइस, सो यहाँ से लाइक मैं ये वाला फोटो जो कि ये वाला फोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड कर लेता हूँ। अब इससे देखो आप रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, सो मैं इस पर पूरा फिल कर देता हूँ एंड उसके बाद इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो इस तरह से फोटो ले सकते हो। अब देखो उसके बाद ये जो आता है ना डुप्लीकेट लेयर, ये आप क्या कर सकते हो, लाइक इस वाला लेयर को आप डुप्लीकेट चाहते हो सो इसे आप क्लिक करोगे से डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड एम्प्टी लेयर क्या है भाई, एम्प्टी लेयर पे जैसे क्लिक करोगे एक एम्प्टी लेयर मतलब खाली एक लेयर देगा आपको, तो यही है लेयर वाला ऑप्शन। ठीक है, सो इसी का अब देखो लेयर को डिलीट कैसे करना है। सो लाइक ये वाला लेयर है इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, सो उसके लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करोगे इधर, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर देखो एक डिलीट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करोगे ये डिलीट हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखो भाई टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ ना भाई टेंशन एकदम ही नहीं लेना है, बट इस वीडियो में जो बता रहा हूँ बस देख लो एक बार, ट्यूटोरियल आएगा जैसे जैसे थंबनेल का भाई आराम से आप कर लोगे। ठीक है, सो ये हो गया। अब देखो इस तरह पे आ जाते हैं, सो यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वाले का मैं ज़्यादा काम नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है थंबनेल में, बट जहाँ जहाँ पे आप करो जब यूज़ होगा तब आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई देखो इरेजर टूल का तो भाई पता है, नाम सुनकर पता लग रहा है कि ये इरेज करेगा। ठीक है, लाइक तुम चाहते हो कि ये जो पबजी वाला है ना ये सीज़न
लाइक ये वाला सीजन 14 है इसे आप इरेज करना चाहते हो तो भाई इसे तुम इस तरह से कुछ इस तरह से करोगे तो भाई इरेज हो जाएगा। सो ये सिंपली इरेज का काम है, ये पूरा इरेज करेगा, ठीक है। सो पता लग रहा है इरेज है। एंड जो ये वाला है पेन टूल, इसे तो भाई नाम सुन के पता लगेगा कि ये पेंट करेगा, लाइक आप यहाँ पे पेंट करना चाहते हो सो इसे आप किस तरह से पेंट कर सकते हो, ठीक है। सो ये पेन टूल। सो उसके बाद आ जाते हैं हम सिंपली यहाँ पे। सो यहाँ पे जितने भी है ना ये सारे हैं सिलेक्शन टूल, ठीक है ये। बट यहाँ से जो मेन एंड सबसे ज़्यादा काम का है ना वो है, एक है स्क्रेबल सिलेक्शन टूल एंड ये वाला है क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। ये दोनों काम का है। अब देखो क्या कर रहे हैं, लाइक तुम चाहते हो कि मैं ये वाला जो पोर्शन है ना इसका मैं जो कि ये वाले बंदों को मैं लेना चाहता हूँ एंड बाकी सबको डिलीट करना चाहता हूँ, लाइक सीजन 14 को लेते हैं। तुम चाहते हो भाई सीजन 14 को छोड़कर ये सारे इरेज हो जाए, तुम क्या करोगे किप करने के बाद इसे सीजन 14 को आप इस तरीके से कुछ सिलेक्ट कर लोगे। एंड इसका पिक्सल क्वालिटी कम है तो शायद से ठीक ठाक से काम नहीं करे, बट देख लो यार। एंड उसके बाद रिमूव पे क्लिक करने के बाद ये जिस एरियाज नहीं चाहिए आपको उस एरियाज पे क्लिक करना। देखो सीजन 14 को सिलेक्ट कर लिया। सो इस तरीके से ये है सिलेक्शन टूल, ठीक है। सो इस तरीके से सिलेक्शन टूल काम करता है। सो गाइस ये तो गया हमारा सिलेक्शन टूल। अब देखो यहाँ पे है, ये भी पूरा सिलेक्शन टूल है बट ये सारे सिलेक्शन टूल है बट ये ज़्यादा एरियाज को सिलेक्ट करता है, ठीक है। सो नाम अलग अलग है, लाइक इसका नाम है मार्क सिलेक्शन टूल, इसका नाम है सर्कल सिलेक्शन टूल, इसका नाम है लासो सिलेक्शन टूल एंड इसका नाम है पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल, ठीक है। सो ये भाई जैसे सब करते जाओगे सीख लोगे, बस ये समझ लो कि ये सिलेक्शन टूल का काम है सिलेक्ट करना, बस इतना ही सीख लो। लाइक बस मैं थोड़ा सा इंटरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको बस थोड़ा सा पता हो इसके बारे में, ताकि ज़्यादा हार्ड ना लगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम करने जाते हो ना सो ज़्यादा हार्ड लगता है, बट जैसे आपको उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होता है सो क्या होता है ना वो चीज़ और भी ज़्यादा ईजी लगता है। सो मैं वही कराना चाहता हूँ इस वीडियो, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद अब जब भी मेरा ट्यूटोरियल देख के थंबनेल बनाओ ताकि आपको और भी ज़्यादा ईजी फील हो, ठीक है ना। यही मेन मोटिव है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये तो हो गया। अब देखो बात कर लेते हैं हम इधर को जो टूल्स है इसके बारे में। सो यहाँ पे मिल जाते हैं फर्स्ट टूल्स, ठीक है। सो इसका काम ना यहाँ पे आपको बहुत सारे जो कि ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लाइक कट करना, कॉपी करना, कॉपी मर्ज करना, ठीक है। सो ये वही चीज़ है, आप मतलब इसका नाम पढ़ के आप समझ सकते हो, ठीक है। अब एक वीडियो में क्लियर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यार, एक वीडियो में करना चाहूँगा ना बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, इसलिए मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, कोई भी टेंशन लेना। एंड ये वाला जो है ना, ये वाला क्या करता है, एडजस्टमेंट टूल है ये। एंड यहाँ से क्या करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक आप फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं ये वाला इस वाले लेयर को जो कि ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो आप इस वाले लेयर पे सिलेक्ट करोगे एंड उसके बाद जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करो ना, ये देख रहे हो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जा रहे हैं। अब देखो लाइक आप चाहते हो कि इसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज करना, सो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे आप ब्राइटनेस पे क्लिक करने के बाद इससे बढ़ाओगे तो इसका ब्राइटनेस फुल होता जाएगा, जैसे घटाओगे तो इसका ब्राइटनेस कम होता जाएगा, ठीक है। सो एंड कॉन्ट्रास्ट का भी है, जैसे आप फुल करोगे इसका कॉन्ट्रास्ट धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का काम है। एंड और भी बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, लाइक कलर बैलेंस का मिल जाता है जो कि वन ऑफ द बेस्ट टूल है। लाइक आप यहाँ पर जितने भी रेड है उसे आप इंक्रीज़ करना चाहते हो, सो इसे इंक्रीज़ करोगे तो ये रेड को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, इसे डिक्रीज़ करोगे तो भाई जितने भी रेड पार्ट है वो सारे जो कि लाइक छुप जाएगा। यहाँ से ग्रीन को आप इंक्रीज़ करना चाहते हो सो इसे भाई ग्रीन कर सकते हो। सो ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है, वन ऑफ द बेस्ट लगा मेरे को ये वाला कलर बैलेंस, ठीक है। एंड ये भी और भी बहुत सारे मिल जाते हैं, लाइक शैडोज हाइलाइट्स का आप करना चाहते हो, अगर लाइक आप आपका जो डार्क पोर्शन है उसे आप और भी ज़्यादा हाईलाइट करवाना चाहते हो वगैरह वगैरह, सो ये सारे चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। लाइक आपका फोटो में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है सो आप यहाँ से नॉइस रिडक्शन भी कर सकते हो, सो ये सारे चीज़ आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं इफेक्ट्स में। अब इफेक्ट्स क्या है, ये बेसिकली एक इफेक्ट टूल है, यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं बट इसमें से जो काम का इफेक्ट है ना वो एक होता है गोशन ब्लर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, दूसरा होता है ड्रॉप शैडो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ग्लो इफेक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, शार्पन वाला होता है। मतलब ये जो फर्स्ट है ना इस पर आपको सभी ज़्यादातर यूज़ होते हैं सिर्फ एजेस को छोड़कर, एंड इस वाले पे ग्लासेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बस यही जो कि बहुत सारे यूज़ होते हैं एंड इसका कभी कभी यूज़ होता है, ठीक है। सो ये करते करते सीख जाओगे, ठीक है। तो गोशन ब्लर का क्या काम है, भाई गोशन ब्लर है ना कि आपका फोटो को ब्लर कर देगा पूरा, जितना ज़्यादा इसे इंक्रीज़ करते होगा तो फोटो और भी ज़्यादा ब्लर होता जाएगा, ठीक है। सो ये है गोशन ब्लर। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शनल ब्लर क्या है कि आप जिस तरीके से जिस साइड में डायरेक्शन देना ब्लर देना चाहते हो उस डायरेक्शन में ब्लर होगा, ठीक है। लाइक मैंने इसे एंगल इस साइड में कहता है, एंगल में जैसे डाउन करूँगा ये देखो ब्लर डाउन तरफ आ रहा है ना। अब देखो मैं इस एंगल को जैसे ऊपर तरफ करूँगा ये देखो डायरेक्शन ऊपर तरफ हो गया, जैसे मैं इस साइड को करूँगा डायरेक्शन इस साइड को होगा। सो ये है डायरेक्शनल ब्लर, ठीक है। सो ये भाई ये करते करते सीख जाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जाते हैं टूल्स के बारे में। सो ये है बेसिकली टूल्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लाइक आप इमेज को क्रॉप करना चाहते हो सो ऐसे जैसे क्लिक करोगे आप इस इमेज को लाइक क्रॉप कर सकते हो, लाइक मैं इस इमेज को क्रॉप करूँगा यहाँ तक, ठीक है।
लाइक मैं यहाँ तक क्रॉप करूँगा। सो इस तरीके से जो आप इमेज को क्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे और भी सारे मिल जाते हैं लाइक इमेज साइज का, लाइक आपने गलती से गलत साइज ले लिया, सो आप कह रहे होते हैं यहाँ से आप इमेज का साइज रेजोल्यूशन जो कि और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। सो यहाँ से और भी ज़्यादा बहुत सारे मिल जाते हैं ऑप्शन। ये है रोटेट का, ठीक है। सो ये रोटेट क्या कर सकते, आपका जो फोटो है उसे आप रोटेट कर सकते हो। बट उससे बढ़िया जो कि ना सबसे ज़्यादा बेस्ट है इसमें क्रॉप इमेज का, इमेज साइज का एंड ये ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं, आप फोटो का आप कहीं पे भी ले सकते हो, जूम कर सकते हो, लाइक आप लाइक रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक, और भी बहुत सारे कुछ कर सकते हो इससे। एंड और भी आते हैं लाइक फिल एंड स्ट्रोक, लाइक आप क्या कर सकते हो, पूरा फोटो में आप एक स्ट्रोक देना चाहते हो, सो यहाँ पे आप स्ट्रोक पे सिलेक्ट करोगे एंड इसको पिक्सल आपको इंक्रीज करते हो, ये देखो एक स्ट्रोक एक बॉर्डर हो जा रहा है। सो यही है। एंड ये है ग्रेडियंट, आपके फोटो का अगर ग्रेडियंट देना चाहते हो सो आप ग्रेडियंट दे सकते हो, बहुत सारे ग्रेडियंट मिल जाते हैं यहाँ पे आपको देने के लिए, ठीक है। सो ये है ग्रेडियंट। एंड सो गाइस आई होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, मतलब इसमें मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें बताया। आपको लग रहा होगा कि भाई इस वीडियो को देखकर तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, ये वीडियो बस यही था कि आप लोग देखो, जो भी बिगिनर हो बस ये वीडियो देखने के लिए था, क्योंकि कोई भी चीज़ के बारे में अगर एक बार आपको नॉलेज हो, उस चीज़ के बारे में आपको पता है कि किसका क्या काम है, जैसे आपको ये सिर्फ अगर पता है ना कि किसका क्या काम है, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम इजी हो जाता है। सो मेरा काम यही था कि भाई काम को और भी ज़्यादा इजी कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी थंबनेल के ऊपर ट्यूटोरियल आएगा, तब भी आप अगर पीएसटच अगर पहले यूज़ नहीं किया हो, फिर भी आप जो कि आराम से बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओ, यही मेरा मोटिव था। तो गाइस आई होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर हेल्पफुल होता है तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।